राज्यसभा चुनाव ये प्रॉक्सी वोट हर चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। पर्याप्त वोट नहीं होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं काले धन की कमाई से जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर तिराजू पे तोलकर लोकशाही की हत्या करने की साजिश रची। बार बार इस परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे। विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस विधानसभा दल के 65 धारा सभ्यों ने कोरोना और तोड़ोना दोनों के खिलाफ लड़के हमारे दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की है। कांग्रेस विधानसभा दल और सहयोगी साथियों ने जो भरोसा दिलाया है, कल चुनाव के दिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब नतीजा सामने आएगा, कोरोना भी हारेगा, तोड़ोना भी हारेगा और लोकशाही बचाने के लिए विधानसभा कांग्रेस दल का जो संकल्प है वो सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी ना त्रणे त्रण उम्मीदवार 100% निश्चित एमनो विजय छे। कांग्रेसना धारासभ्यो अने कांग्रेस पक्ष में जे रीतना इंटरनल लड़ाई छेल्ला 2-3 महीनाथी चाली रही छे, रिसोर्टनुं राजकारण उभुं करवुं पड्युं, त्यारबाद अमदावादनी 5-star होटलमां राखवा पड्या, बंने उम्मेदवारो वच्चे मतोनी वहेंचणीना बी जे प्रश्नो उभा थयेला छे, अने कांग्रेसनुं घर ए तूटेलुं छे, फूटेलुं छे। आवतीकाले જ્યારે મતદાન થશે ત્યારે અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ત્રણે ત્રણ ઉમેદવાર વિજય થવાના છે। અમારી પાસે સાઇઝેબલ મતો પણ છે, એ ઉપરાંત અન્ય પક્ષોના મતો પણ અમને મળેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે, એટલે વિજયમાં કોઈ બીજો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી।